कुंडली भाग्य। शालिन पर नजर रखनी होगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से ही अपना व्रत तोड़ेगी, तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आएगा। क्या खुसर-पुसर कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं, और तुम्हारे चेहरे पे तो साफ लिखा है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम हो ही इतने क्यूट से। समीर और सृष्टि, मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा है? असल में मेरी बेटी और आपका छोटा बेटा, वो लोग एक दूसरे को पसंद करते। अब मुझे अभी पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं आकर सीधा आपसे ही बात कर लूं। छोटा बेटा, अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना बाकी लड़कियों की तरह? ऋषभ, इसे घर छोड़ा। ओह नो, घर पर पृथ्वी मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ तो आप एक सॉलिड रीजन दे दीजिए कि आपको मैं घर छोड़ने क्यों नहीं जाऊँ। आप मुझे कन्विंस कर दीजिए, मैं इन दोनों को कन्विंस कर दूंगा। अरे दिस इज टू मच यार। अब क्या हुआ तुम्हें लंबू? तुम्हारा घर इतना फैला हुआ क्यों है यार? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जिस डायरेक्शन में जाओ दो दो किलोमीटर तक चलना पड़ता है। कितने सारे कमरे हैं यहाँ पर, कब से ढूंढने जा रहे राखी आंटी को, मिल ही नहीं रही है, कहाँ है वो? क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हारा चिड़िया घर नहीं। इतू सा छोटू सा, जहाँ कोई छुपने की कोशिश करे ना तब भी पकड़ा जाए। हर दिन अपने गंद वाले मुँह से कीचड़ वाली बातें। मुझे पता था कि तुम ऐसे कुछ ना कुछ बाहियात सा ही बकोगे। खन चक्कर कहीं के इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे नौकर हैं, और हमारे घर में गिनती के चार लोग हैं। इसलिए हम एक दूसरे से ना ज्यादा कनेक्टेड है, ज्यादा करीब है। तो तुम्हारे बड़े घर को ले लो, यहाँ पे तो किसी से बात करने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मतलब अगर किसको ढूंढना होगा तो डेढ़ दो घंटे तक कोई मिलेगा ही नहीं। खुद की माँ को ढूंढो तो भी नहीं मिलती। या राइट। ओह, मान गया, इसलिए तुम मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें ना बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। और सच बात तो ये है कि तुम मेरे टाइप के ही नहीं हो। ये लड़की नहीं, ये राखी आंटी तो अपने कमरे में। चलो इनसे बात करते हैं। तो मुझे सृष्टि से शादी नहीं करनी। ये लड़की ना बहुत चालाक है, जब देखो वो स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं चालाक नहीं, मैं चतुरनार हूँ। और अगर मैं स्मार्ट हूँ तो मेरा प्लस पॉइंट है। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, और तुम कितने बड़े बेवकूफ हो ये मैंने बाहर साबित कर दिया। आंटी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मामा है ना मेरे और समीर के रिश्ते की बात नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं, उठा दूं? हां उठा दे, कितनी खुशी की बात है। इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, वहां से घबराहट में आई थी, टेंशन में बीपी लो हो गया होगा। अब खुशखबरी सुनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे तो बीपी ठीक हो जाएगा। बहन जी, बहन जी उठो ना, कितना आराम करोगे? पेट में देखो कैसे हिलोरे मच रहे हैं, खुशियां मुंह से निकलने के लिए बेताब हो रही, और आप हो कि सोई चले जा रहे हो। बेवकूफ कहीं की, अरे तू तो उसको ऐसे उठा रही है जैसे लोरी सुना रही, बकरी की तरह मन बना रही। मैं बताती हूँ तुझे, सरला, ओ सरला, ओ जल्दी उठ, घर में चोर घुस गए। कहाँ चोर, कहाँ घुस गए बीजी? हाँ कोई नहीं, अब इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं। ओके, जरूरत है करण, चिंता कैसे नहीं। इतनी मुश्किल से हमें मौका मिला है कि हम शर्लिन के कमरे की तलाशी ले सके, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। इतना कीमती वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमें शर्लिन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पा रहे। अब यहाँ तक आकर हार तो मुझसे मानी नहीं जाएगी। डोंट वरी, ओके, गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला?
लगता है आज पृथ्वी फ्रंट डोर से आ गया, हमेशा तो बैक डोर से आता है। फॉरगेट इट शर्लिन, पहले ये सोच के ऋषभ नाम की मुसीबत को कैसे टालेगी। क्या हुआ, दरवाजा खुला है? मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी बात जब संभव। अंदर तो कोई भी नहीं है। What? लेकिन मैंने किसी को शायद भाग गया। Oh no! इसका मतलब हमारे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा और सारी मेहनत बेकार हो गई। अब क्या करेंगे? क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। मिशन फेल। शर्लिन भाई के सामने हमें झूठा बना देगी और हम कभी भी उसे भाई के सामने गलत साबित नहीं कर पाएंगे। oh no. एक काम करते हैं, घर चलते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रीता। आज तुमने अपनी हरकत से मेरी शर्लिन बेब्स को बहुत मुश्किल में डाल दिया है और कोई भी मेरी शर्लिन को जरा भी तकलीफ दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आदमी आखिर अचानक से गायब कैसे हो गया वॉशरूम से? पता नहीं यार, मुझे बस इतना पता है कि शर्लिन को एक्सपोज करने का हमने बड़ा मौका हाथ से खो दिया। शर्लिन जितनी चला गया ना, उसका बॉयफ्रेंड भी उतना ही शातिर है। अब भाई के पास जाएंगे ना ये सब बताने, तो उल्टा शर्लिन हम पे इल्जाम लगा देगी कि अगर वो आदमी मेरे बेडरूम में था तो मैं भाई को अंदर क्यों लेके आई, अपनी चीटिंग प्रूफ करने के लिए। और भाई हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। क्या हुआ? कितनी बेईमान है ये लड़की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई लड़की इतनी खराब कैसे। तुम्हारे साथ मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा मारा, अब मुझे पता चला वो इतना जरूरी था तुम्हारा प्रीता के रिश्ते को हाँ करना। रिश्तों की बेड़ियों में कैद कर लो पृथ्वी, जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाय रब्बा, प्रीता का रोका हो रहा है, मतलब उसकी शादी तय हो गई। दीदी अब देखते हैं अधर्म जीतता है या धर्म। जल्दी चलो। मान लिया कि नाटक कर रही थी, कोई चाल ढाल बदल सकता है पर आंखों की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है ना। जीजू उन्होंने आपको कोई सबूत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार काफी है सबूत के लिए। जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं वो काफी है। क्या आपको उनका प्यार फील नहीं होता? आपको नहीं लगता कि वही आपकी प्रज्ञा है? अभी तो बस डोरी खुली, आगे पता नहीं क्या क्या। कहाँ जा रही है? मैं आपका इंतजार कर रहा था। नरेन, मैं सारी बेड़ियां तोड़कर आई हूँ, चौथा इम्तिहान भी पूरा करके ही मानूंगी। मैं जानती थी कहीं ना कहीं आज भी मेरा नरेन बिल्कुल वैसा ही है। कल रात मेरे सपने में आदि आया था, आपका लाडला आदित्य। के नतीजे आने के बाद महक भी सोच में पड़ जाएगी क्योंकि और कोई माने या ना माने मैं जानती हूँ वो महक। कुछ भी हो जाए आज मैं ये तो साबित नहीं होने दूंगी कि ये वंदना नहीं महक है।